डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण नमस्कार, साईं वाणी में आप सबका स्वागत। साईं बाबा का आशीर्वाद हम सबको जीवन में बदलाव लाने के लिए है और साईं बाबा का आशीर्वाद साईं वाणी और साईं क्रिया और साईं ध्यान के माध्यम से हम कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बाबा ने जो जो संदेश दिए वो संदेश अभी मैं इस जून महीने से आप सबके साथ जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कबीर महाराज, करनी बिन कथनी कथे, करनी बिन कथनी कथे, गुरुपद लहे ना को सोए, गुरुपद लहे ना सोए, बातों के पकवान से धीरा नहीं कोए, बातों के पकवान से धीरा नहीं कोए। मतलब सिर्फ कहने से पेट नहीं भरता और सिर्फ पकवान की बातें करने से भूख नहीं मिटती। अपने जीवन में यही कार्य आप सबको करना है। साईं बाबा अपने जीवन में कहते हैं कि यही कार्य आप करो, आप अपने जीवन में कार्यक्षम बनो। आज का गुरु मंत्र है, प्रारंभ करो और जारी रखो। प्रारंभ करना है और जारी रखना है, इसी विचारधारा के साथ ये बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। मैं फिर से कहूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, जो था बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। साईं वाणी का प्रारंभ क्या है, कैसे है साईं वाणी का प्रारंभ? एक गुरु अपने शिष्य के साथ हमेशा रहता था और रहता था तो देखता था कि वो उसका जो गुरु का ऊंट था उसको संभालने का काम वो शिष्य करता था। बहुत साल हुए जब ऊंट को संभाल रहा था तो एक दिन उसको एक गांव से वो रात को जा रहे थे और एक सराय के पास रुके और उन्होंने रात को, शिष्य बहुत थका था तो उसने क्या किया, अपने ऊंट को बांधा ही नहीं और वैसे ही अल्लाह के नाम पे बोल के, क्योंकि गुरु हमेशा कहते थे कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब ख्याल करेंगे। हम नहीं कहते क्या साईं बाबा हमारा सब ख्याल करेंगे, और कभी कभी हम कुछ हमारी नैतिक कर्तव्य जो होते हैं, दैनंदिन कर्तव्य जो होते हैं उसको भूल जाते हैं। जैसे कि मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, साधना करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये बातें हम भूल जाते हैं। भाई और बहनों, इस बात को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है। मैं कहना चाहता हूं आपको इन बातों के ऊपर, कौन सी बात आप ठीक से समझिए, कि जैसे ही उनको रात के उसने बांधा नहीं और क्या बोला, उसने बोला, हे मालिक, हे अल्लाह, हे भगवान, मेरे ऊंट का ख्याल करना, मेरे ऊंट का ख्याल करना, मेरे ऊंट का ख्याल करना, और ऐसे 3 बार बोला और वो सो गया। शिष्य और गुरु दोनों सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह जैसे उठे तो उन्होंने देखा कि क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, ये बात उन्होंने देखी कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या देखा,
कि ऊंट है ही नहीं। अब ऊंट है नहीं तो परेशान हो गए। अब जैसे परेशान हो गए, उनको समझ में आया ऊंट कहां गया। तो गुरु ने पूछा अपने शिष्य से, अरे रात को तूने ऊंट बांधा नहीं था। उन्होंने कहा, मालिक आप हमेशा कहते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। तो मैंने सोचा, मैंने भी अल्लाह के ऊपर 3 बार अल्लाह को बता के छोड़ दिया, भगवान को बता के छोड़ दिया, और मैं वैसे सो गया, बांधना मैं भूल गया। अभी आप मुझे गुस्से से मत देखना, क्योंकि आप ही कहते हैं भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो वो गुरु बोला, अरे भगवान के ऊपर छोड़ देना पगले, लेकिन उनको तो तूने खूंटी से बांधना तो चाहिए था। अपने हाथ से बढ़िया दूसरा कोई भगवान का हमें सहारा नहीं है। भगवान का सबसे अच्छा सहारा है आपके हाथ, ये हाथ, ये मजबूत हाथ। आप हाथ से काम नहीं करोगे ना तो आपका ऊन भाग जाएगा। कर्म करो कर्म। इसलिए मैंने कहा था कबीर महाराज का जो शुरू का दोहा बताया कि सिर्फ बात करने से, पकवान के नाम लेने से पेट भरेगा। अब यहां इतने सारे मित्र बैठे हैं, मैं कहूंगा तुम गुलाब जाम खाओ, तुम रबड़ी खाओ, तुम मिठाइयां खाओ, तुम फल फूल खाओ, तुम अच्छी तरह से सेब खाओ, और बहुत कैसे लगे फल, तो आपका पेट थोड़ी भरने वाला है। जब तक मैं आपको खाने को फल नहीं दूंगा, तब तक आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। उसी प्रकार अपने जीवन में कार्य करने के बगैर, अपना नैतिक कार्य जो है, प्रधान कार्य जो है, वो करने के बगैर हम कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आज का साई वाणी का संदेश, पहला बोध जो है, आप ठीक से समझ लेना, ये बोध कथा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर बोध कथा से एक बोध ले और जीवन में कार्य शुरू करें। हर एक का अपना एक कार्य लिखित है, वो कार्य करना ही जीवन है। एक पल अगर देखेंगे तो पूरा जिंदगी बदल सकता है, और एक दिन देखेंगे तो पूरा हमारा जीवन बदल सकते हैं, और एक जन्म मिला तो पूरे सदी को बदल सकते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन जागे उस दिन सवेरा और आप दीप भवा। ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है भाइयों, आपको भूलना नहीं पड़ेगा। ये स्टोरिया मैंने पहले ही कही थी, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। ये स्टोरी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके जीवन में कार्य लाने के लिए, और आपको कुछ सिखाने के लिए, बदलाने के लिए है। मैं फिर से कहूंगा, बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार गुरु नानक साहब एक गांव में मेहमान थे, और उस गांव में एक सेठ धनीचंद था, बहुत सेठ, बड़ा सेठ, अमीर सेठ था। और वो सेठ जब बैठा, गुरु नानक साहब के पास आया, आशीर्वाद लिया और कहा, आप इतने ज्ञानी हैं, महान हैं, भगवान हैं, आप मुझे आशीर्वाद दे और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, जो आप चाहेंगे मैं देना चाहता हूं, मेरे पास आपने दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ बहुत कुछ है। तो गुरु नानक साहब उसकी तरफ देखते और हंसते और कहते, देखिए, अपने जेब से एक छोटी सी सुई निकालते और बोलते, ये रख तेरे पास, और याद रख मरने के बाद उसको, तेरे मरने के बाद ये मुझे लौटा दे। तो उसको शुरू में समझ में नहीं आता, वो तो बहुत धुन में होता है, अपनी पैसे की मस्ती की धुन में अहंकार होता है उसको, तो फिर उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन थोड़े समय के बाद उसको समझ में आता है कि गुरु नानक साहब कितनी बड़ी बात बोले हैं, और फिर वो उसकी आंख खुल जाती है और कहता है, आप बोलेंगे तो मैं आपकी मेरी जान दे दूंगा, लेकिन मरने के बाद मैं ये सुई कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा। तो गुरु नानक साहब उसकी तरफ देख के हंसते और बोलते, अभी सुई वापस दे दे, मेरा काम हो गया। तू जान गया ना कि तू जीत दौलत के ऊपर घमंड कर रहा है, ये तेरे को मरने के बाद लेके नहीं जाना है। इसके दो अर्थ है भाई और बहनों, आप अपने जीवन में जियो, पैसा कमाओ, जरूर कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे मत भागो। मैं नहीं कहता कि गरीबी में रहो, मर्सिडीज में जाना है ना जरूर जाओ, मर्सिडीज बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मर्सिडीज में ही जाना है ऐसा मत सोचो। जैसे आप अभी यहां पुणे से लेके मुंबई तक आपको जाना है, और आपके पास ट्रेन है, बस है, मर्सिडीज है, कहीं आपको अगर मर्सिडीज में जाना है, बैठने को मिल गए तो छोड़ो मत, लेकिन मर्सिडीज में ही जाना है इस बात को तय मत करो, किसी भी चीज का घमंड मत करो। मैं आज की कहानियां बताते समय आप सबको पूछने वाला हूं, आप क्या बोध ले रहे हो, क्योंकि मुझे जो संदेश देना है वो संदेश साईं बाबा का संदेश है। शिरडी में साईं बाबा के पास हजारों करोड़ों लोग आते थे, गरीब आते थे, अमीर आते थे, बाबा किसी का फर्क नहीं करते थे, बाबा सिर्फ देखते थे कि ये मेरा कितना नाम स्मरण कर रहा है, मेरे लिए कितना भज रहा है, मेरे नाम का कितनी बार वो जिक्र कर रहा है, और सच में वो मुझे पवित्रता के साथ मेरे चरणों में आया है कि नहीं आया है। क्योंकि एक बात याद रखना, दिखावे वाले बहुत लोग हैं, करने वाले बहुत कम लोग हैं, और मैं दिखावे वालों पे नहीं, काम करने वालों पे भरोसा करता हूं। 10 बातें बोलने से अच्छा है 2 बातें करो,
आप अपने जीवन में देखो, बहुत सारी बातें करने वाले लोग आपको मिलेंगे, लेकिन भावार्थ समझो, जो अपने लिए करता है ना एक छोटा सा भी काम, वो अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। यही तो जीवन है, इसी को तो हम जीवन कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमें करने के लिए। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। भगवान राम को तो आप सब जानते हैं। सीता मैया, राम और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले, अपने पिताजी का जो आशीर्वाद, जो शब्द दिया था, वो पूरा करने के लिए। बाद में उनको पता चला कि उनके पिताजी नहीं रहेंगे, वो मरने वाले हैं, अभी उनका अंत समय आया है, तो भी राम ने अपना फैसला नहीं बदला। राम चलते गए, राम वापस आ सकते थे, क्योंकि जिन्हीं पिताजियों का वचन पूरा करने का अगर वही नहीं रहने वाले तो राम अपने संकल्प तोड़ के वापस आ सकते थे। लेकिन राम एक कार्य पर निकले थे। अपने जीवन में भी अपना एक कार्य होता है। अपने कभी कभी घर वाले बोलते हैं, बेटा पढ़ने को मत जा बाहर, हमें बहुत प्यार है। अरे क्या होता है प्यार, अपना कर्तव्य आपको हर एक को करना है। साईं बाबा यही कहते हैं, आप जहां भी है वहां रहो, पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन अपना कर्तव्य पहले करो। मेरी साईवानी आपको कार्य में लेके आने के लिए है, मेरी साईवानी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है, और मेरी साईवानी ध्यान धारणा के साथ अपने जीवन में क्रांति करने के लिए है। मैं ये बातें आपसे इतना हक से क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं ये संदेश आपको तक पहुंचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा हूं, आप शायद समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, अभी पिछले 2 महीने से मैं लगातार लोगों से जुड़ा हूं। कितने सारे देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, और साईवानी के प्रारंभ जब से हुआ है तब से वो मुझसे कह रहे हैं कि सुनील जी बहुत अच्छा लग रहा है, और काम मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन आपको भी अभी मेरे साथ आना है, मेरे साथ चलना है। विश्वास है भाई और बहनों, क्रांति एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको फिर से कहने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सबको अपने अपने ऊंट को बांधना है। अभी ठीक से समझो हर स्टोरी का मतलब। अपने अपने ऊंट को बांधना मतलब क्या, भगवान भरोसे छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना है। लोग कहावत से और मजाक में कहते हैं कि स्टीव जॉब जब भारत आया था, 8-9 महीने भारत में घुमा, इस्कॉन के टेंपल में जाके उन्होंने खिचड़ी खाई, और उधर अमेरिका में जाके बोला कि सच में भगवान है, इस पर मेरा भरोसा है, क्योंकि भारत का पूरा राम भरोसे चल रहा है। इसमें मजाक उड़ाया हमारे देश का। लेकिन याद रखना, कोई भी चीज अगर सिस्टमैटिक नहीं होती ना, एक बात याद रखो, डिसिप्लिन है, सातत्य है, तो असामान्य कार्य भी आप सामान्य आदमी कर सकता है। लेकिन बहुत कुशाग्र है, बहुत टैलेंट है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है ना, बड़ा आदमी भी मुरझा जा सकता है। एक बीज में अंकुरने की शक्ति है, लेकिन उसको जब तक जमीन नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, सूरज की किरणें नहीं मिलेगी, तब तक कैसा उसका अंकुर आएगा? और छोटा पेड़ को तो बकरी भी खा सकती है, अगर वही पेड़ बड़ा हो गया तो उसको हाथी भी नहीं गिरा सकता। अपने ही कार्य का वैसे ही है, एक दिन में कार्य नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा। कुछ कुछ बातें फिर से आएगी, आपको लगेगा, लेकिन मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि मैं मेरे मुद्दों से अड़िग हूं, मैं मेरी बातों से अड़िग हूं। देखो मैं फिर से कहना चाहता हूं, शब्द शायद मेरे इधर उधर हो सकते हैं भाई और बहनों, लेकिन उसका जो बोध है और जिसका अर्थ है वो आपको समझना है। दूसरी कहानी मैंने बताई कि घमंड मत करना। जब सराय ने, जब उसने ऊंट को बांधा नहीं और ऊंट भाग गया, इधर उधर भाग गया, तो उसका मालिक भी गुस्सा हो गया, क्योंकि वो भी कहते थे कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन भगवान फिर मदद में क्यों नहीं आए? क्योंकि इसने इसके हाथ से ऊंट को बांधा नहीं था। हमारा भी कार्य हमारे हाथों से ही हमें करना है, हमारे दिमाग से ही करना है, और जो भी हम करना चाहते हैं फिर उसी को बाबा आशीर्वाद दे देते हैं। जरूर बाबा आशीर्वाद देते हैं, क्यों नहीं देते? अगर आप कार्य करोगे तो आपको फल मिलेगा। सिर्फ फल की लालसा मत करो, फल के पीछे मत भागो कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सिर्फ करते रहो अपनी मेहनत और उसका आशीर्वाद, सब कुछ पॉसिबल है। आज ही आपको संकल्प को तय करना है। एक विचार देना चाहता हूं यहां, तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विचार है। जैसे राम वनवास में चले गए, 14 साल का वनवास काट के आए, भरत ने तब तक राज्य संभाला, लेकिन राम उससे आदर्श देके गए। भगवान महावीर के कान में लोगों ने खिले ठोके, क्यों डर रहे हो? बहुत सारे लोग डरते हैं कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोल रहा है, आज कौन क्या बोल रहा है तुझे, आज तू कुछ भी नहीं है, तुझे इतना डर क्या है कि तुझे कौन क्या बोलेगा? लोग खुद से डरते हैं, कोई किसी को बोलने के लिए समय नहीं आ रहा है, तो होने दो, डरो मत किसी से। हां, अगर आप बचपन में गलती कर चुके हो और वही गलती बार बार दोहरा रहे हो तो आप मूर्ख है। अगर आप वो गलती अभी भी कर रहे हो, जैसे आप बाद में पहले खैनी खाते थे और अभी भी खैनी खाने लगे, तो गलती है, खैनी गलत है। जिस दिन समझ में, उस दिन खैनी को छोड़ दो। गलतियां सबसे होती है, बचकाना होता है, लेकिन जब अभी समझदारी में, यहां पर साई वाणी सुनने के बाद, साई क्रिया करने के बाद, साई बाबा का नाम लेने के बाद, ध्यान धारणा करने के बाद,
अगर आप गलतियां करोगे तो फिर वो गलती है। समझ आने के बाद कभी बेसमझी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं विश्वास देना चाहता हूं आज आपको, क्रियाशील बनो, घमंड मत करो क्योंकि सुई भी ऊपर नहीं लेके जा सकते। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि क्रिया कैसी करनी है, इसके ऊपर मैं हर चीज में अभी बोलना शुरू कर रहा हूं, उसका मैं दूसरा अंक बताने वाला हूं, और वह अंक है मन को कैसे प्रसन्न रखें। देखो, वेल बिगेन इज हाफ डन। सच्ची सोच और सकारात्मक सोच आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से भरे रहते हो ना तो पूरी दुनिया पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन जैसे आप निगेटिव एटीट्यूड से भरे रहते हो ना तो पूरी दुनिया निगेटिव एटीट्यूड में चली जाती है। जैसे आपका मन चाहता है ना वैसे ही सब कुछ होता है। अगर आपको सब फ्रेश दिख रहा है ना तो सब फ्रेश है। अगर आपको कभी कभी दिक्कतें आती है, आप देख लो, मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहां कहूंगा जो आपके जीवन में आज से आपको अप्लाई करनी है, और वह है हर दिन अपने शरीर को आधा घंटा पसीना आने तक एक्सरसाइज करना है। कोई भी उम्र रहने दो आपकी। सिर्फ एक बात मैं हार्ट के मरीज को कहना चाहूंगा, अभी मैंने जैसे बोला और तुरंत आप एक्सरसाइज को मत लगो, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज को बढ़ाओ, क्योंकि हमने आज हाथ में कार्य लिया है saiwani.org। मेरे विश्व के सभी मेरे भाई बहन अपना अपना प्रोडक्ट लेके अपने वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। saiwani.org में आप आओगे, अपने प्रोडक्ट को रखोगे, वो प्रोडक्ट हम जब पूरे विश्व से लोग उसको खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से मुनाफा होगा और आप अपनी तरक्की करोगे। मैंने ये क्रिया दी आपको, चाहे वो गांव में खेतों में काम करने वाली मेरी बहन हो, मेरे छोटे से शहर में काम करने वाला छोटा प्रोडक्शन करने वाला मेरा भाई हो, उसकी वो स्पेशलिटी हो सकती है। हमारा देश गरीब कभी नहीं था। अंग्रेज आने के पहले हमारे भारत देश में सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि हमारे ढाका की मलमल, तब भारत एक बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत पूरा एक था, तो बड़ा हिंदुस्तान देश था। अभी ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग देश हो गए, लेकिन अभी भी हमारा देश बहुत बड़ा देश है। क्योंकि जब हम देखते हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इतने फैले हुए देश में अलग अलग कलाकुसरी है। आज भी आप देखो, राजस्थानी लोग जो जिस तरह से फर्नीचर बनाते हैं उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। आज हमारे यूपी में जैसे कारागिर है, पीओपी से लेके हर चीज को बनाने वाले, वो दूसरे जगह पे नहीं देखे मैंने। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में जितनी की देवताओं की पूजा करने वाले पंडित और ज्ञानी लोग हैं वो आज तक मैंने कहीं नहीं देखे। आज भी साउथ में जो विज्ञान का उन्होंने चमत्कार किया है और ज्ञान की चमत्कार किया है, वो उनके लिए वो कम नहीं है। मेरे पंजाबी भाई में और मराठी भाइयों में जो हिम्मत है, जो डेयरिंग है, कूदने की ताकत है, वो आज कहीं नहीं देखी। आज भी बंगाल के मेरे सभी कलाकुसरी करने वाले और मेरे ज्ञानी लोग, जहां जहां जो जो स्पेशलाइजेशन है, हमारे कोकण के आम है, अगर हम देखे जाएंगे तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग चीजें हैं। मैसूर का जो तरक्की अगर हम देखेंगे, हर देश में, हर कोने कोने से हमारे भारत देश में विविधता है। इस विविधता के साथ हमें जुड़ना है, और हम सब saiwani.org, बाबा ने जो प्लेटफॉर्म आपको दिया है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए दिया है कि आपके काम को बढ़ावा देना है। क्योंकि मेरा धर्म, मैंने पहले ही कहा है, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन साईं बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो आपको तक पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। मुझे आपके जीवन में बदलाव लाना है, क्रांति लानी है, लेकिन सिर्फ ध्यान करने से। एक घंटा तो ध्यान करना है, बाकी 23 घंटा क्या करना है? और मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ यही करना है। आप अपना काम करो। जिन भाई और बहनों के हाथ में काम नहीं है उनके लिए हम प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। ये अध्यात्म के साथ हम जीवन में भी क्रांति लाना चाहते हैं, क्योंकि भूखे पेट कभी अध्यात्म नहीं सिखाया जा सकता। अगर इस देश की तरक्की करनी है तो हमें हाथ को काम देना पड़ेगा, हमारे विचारों को ताकत देनी पड़ेगी। और मेरे भाई बहन, की हमारी भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है युवा शक्ति। आज भी जापान में आप जाओगे उसको बूढ़ों का देश कहा जाए, क्योंकि वहां जवान लोग कम है, लड़के कम है, बच्चे कम है, क्योंकि वहां हमारी यहां इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में तो सबसे बड़ी ये युवा शक्ति है। इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करना हमारा साईवानी का कर्तव्य है, और ये बाबा ने हमें दिया हुआ गुरु मंत्र है। आज मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, आज आप सिर्फ सोचें, आपके पास जो भी ज्ञान है, हाँ ये हो गया प्रोडक्ट की बात, तो ज्ञान की भी बात कर सकता हूं। जो आर्टिस्ट है वो भी हमसे आके जुड़ सकते हैं, कला के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और इसी से हम क्रांति करेंगे। उसको हम कहना चाहते हैं साईवानी क्रांति। saiwani.org पे आए, संपर्क करें हमसे, यही ज्ञान ले। यही कहना चाहूंगा, प्रणाम।